प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में कैडर को यही पढ़ाया जाता है, जिस तरीके का कल दुनिया की लोकतंत्र की, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में एक चुने हुए सांसद के खिलाफ जिस तरीके के अल्फाज, आतंकवादी, उपद्रवी, ये क्या है? इस देश में हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी मांगी है, वो अपर्याप्त है। ऐसा भाषा मैंने कभी सुना नहीं है। ये भाषा न केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, पर पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। ये अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है। दनीश अली जी का तो अपमान ही है, पर हम सबका अपमान है। ये बिधुरी जो कह रहे हैं, ये बीजेपी की मंशा है। मैं रक्षा मंत्री का खुद बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। उनकी मजबूरी थी, उनको उठना पड़ा, उन्होंने माफी मांगी। पर मैं जरूर ये मांग करूंगा कि इस सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के दो सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं, राघव चड्ढा और संजय सिंह, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सस्पेंड किया गया। और बिधूरी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए। मुझे दुख जरूर हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ, आश्चर्य कतई नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी के वसुधैव कुटुंबकम की सच्चाई यही, गोडसे को देशभक्त बताने वाला सांसद कौन है, किस पार्टी का है? टिम्बकटू में नहीं, भोपाल से सांसद है। और कल जो भाषा सदन के अंदर बोली गई, एक सांसद के लिए अगर सदन के अंदर यह भाषा बोली जा रही है, तो सोच के देखिए कि सड़कों पर, गलियों में, नुक्कड़ में, गांव में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ किस तरह की आवाज को, किस तरह की जुबान को लेजिटिमेसी दी गई है। प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास को जीना पड़ता है। रमेश बिधूरी जी आपके माननीय सांसद हैं और उनके लिए आप एक सख्त शब्द नहीं बोल पाए अभी तक, कुछ भी नहीं। यानी कि मानूंगा ना कि आपकी मर्जी से ही हो रहा है, आपकी मर्जी के बगैर तो आपके दल में एक पत्ता नहीं हिलता। अगर सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है। आप मेरा सोशल मीडिया देखिए तो टेररिस्ट बुलाने में तो ये थकते नहीं है, लेकिन उसके साथ जो कहा, लेकिन शर्मिंदा भी होता हूं कि पार्लियामेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। नाराज भी होता हूं क्योंकि आखिरकार ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ ही अल्फाज इस्तेमाल हुए। समझ में नहीं आता, वो लोग जो बीजेपी के अंदर हैं मुसलमान या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह ये बर्दाश्त करते।
मैं तो बीजेपी के बाहर रह के भी मुश्किल समझता हूँ इन चीजों को बर्दाश्त करना। जो लोग इनके साथ मिलके काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं? वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो तमाम मुसलमान कौम के खिलाफ इस्तेमाल हुए, सिर्फ एक ऑनरेबल एमपी के खिलाफ नहीं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच। अध्यक्ष जी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, छोटी छोटी बातों में लोग सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उनको पार्लियामेंट से सस्पेंड नहीं किया गया। हम देश के मुसलमान ये सब सुनकर बहुत अफसुर्दा हैं। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वो भी आएगा इस देश के अंदर जब संविधान के मंदिर के अंदर मुसलमानों को खुलेआम बेइज्जत किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आरएसएस की शाखाओं में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में कैडर को यही पढ़ाया जाता है? जिस तरीके का कल दुनिया की लोकतंत्र की, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेम्पल में एक चुने हुए सांसद के खिलाफ जिस तरीके के अल्फाज, आतंकवादी, उपद्रवी, ये क्या है? इस देश में हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैं करूं तो करूं क्या, जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी? मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा, आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं।